नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा बोरा। दोस्तों, अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता है और लगातार आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है, कितने भी योगा एक्सरसाइज करने से अगर आपके पेट में जमा फैट की समस्या दूर नहीं हो पा रही है और पेट से जुड़े अनेक विकार जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से आप पीड़ित हैं, तो आप इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इनमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना। ऐसे ही आपने अपने घुटनों के बल ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और ऐसे आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को वायु मुद्रा बनाकर ऐसे अपने तर्जनी अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाकर तर्जनी वायु मुद्रा बनती है। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लें और एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है, उन लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर जब आप ऐसे ही वज्रासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो, तो इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। आपने अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लें, या फिर अपने एक हाथ को ऐसे मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को नाभि केंद्र के पास रख लें और दूसरे हाथ को ऐसे अपने मुट्ठी के पास ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पेट को अंदर की तरफ जितना पिचका सकते हैं ऐसे अंदर की तरफ पिचका लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं और ऐसे सीधे देखें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस योग मुद्रासना की पोजिशन पर रहते हैं। जिन लोगों को लूज मोशन की शिकायत होती है, बार बार दस्त का लगना समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से आप इस समस्याओं से तुरंत निजात पा सकते हैं। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ के ऐसे मुट्ठी बांध लें, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और फिर ऐसे अपनी मुट्ठी के ऊपर से अपनी हथेली को ऐसे रख लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उद्राकर्षण योग। उद्राकर्षण योग संघ प्रक्षालन में किए जाने वाला एक विशेष अभ्यास है। आपने ऐसे ही वज्रासना, ऐसे ही कावासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। सबसे पहले आपको ऐसे ही कावासना पर बैठना आना चाहिए, तभी आप इस उद्राकर्षण योग को प्रैक्टिस करें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने राइट घुटने को ऐसे लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर दें और ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लें। कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम आप 5 से 6 बार होल्ड करके कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मलासना योग। मलासना योग एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े समस्त विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। इस अभ्यास को आप किसी भी समय, सुबह के समय, दिन में, रात को या अपनी दैनिक कार्यों को करते समय भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास को करने से पेट में जमा फैट की शिकायत दूर होती है। अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में आधे फिट का ऐसे स्पेस रख लें और ऐसे इस मलासना योग को प्रैक्टिस कीजिए प्रणाम मुद्रा बनाकर।
जब आप ऐसे ही कर लेते हो तो इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लें और ऐसे इस गार्लैंड पोज की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास हमारे पंजे, हमारे एड़ी, हमारे घुटनों, हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। या फिर अप डाउन करते हैं वेरिएशन के साथ भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड मोड़िए, 5 सेकंड तक रुके और फिर सेंटर में आइए। यह बैलेंसिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे पंजे काफी मजबूत बनते हैं। फिर सेंटर में आइए, ऐसे राइट साइड 5 सेकंड तक रुके हैं, फिर सेंटर में और फिर। अगर आपका शरीर भारी है और इस अभ्यास को आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे रख कर भी इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे लेफ्ट साइड जाइए, 5 सेकंड तक रुके हैं, फिर सेंटर में आइए। फिर ऐसे सीधे